हेलो गाइज वेलकम टू अवर टेक चैनल पायरोसॉफ्ट आई होप यू ऑल आर वेल सो आज के इस वीडियो में हम मॉडल टू शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑब्जेक्ट ओरेंटेड प्रोग्रामिंग तो आइए देखते हैं कि हम क्या क्या देखेंगे इस मॉडल में हम इस मॉडल में जावा क्लास देखेंगे ऑब्जेक्ट मेथड कंस्ट्रक्टर स्टेटिक मेम्बर्स धिस की वर्ड ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग ने क्लास फाइनल की एक्सेस स्पेसीफायर एन बहुत कुछ देखेंगे ठीक है तो सबसे पहले शुरू करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स से सो बेसिकली इनमें ऑब्जेक्ट्स क्लासेस डेटा एब्सन एंड कैप्सुलेशन इन्हेरीटेंस एंड पोलीमोफिजम का समावेश होता है सबसे पहले आता है ऑब्जेक्ट उसके बाद क्लासेस उसके बाद इनहेरिटेंस उसके बाद पोलीमोफिजम उसके बाद एबस्ट्रेसन एंड लास्ट में एन कैप्सोलेशन सो सबसे पहले शुरू करते हैं ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है आप उदाहरण के तौर पर अपने आसपास की कोई भी चीज़ ले सकते हैं एग्जांपल के तौर पर चेयर है पेन है टेबल कीबोर्ड, बाइक एक्सेट्रा यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर एक डॉग का उदाहरण लिया गया है जो कि एक ऑब्जेक्ट है क्योंकि उसका एक स्पेशल कलर है उसका एक स्पेसिफिक नेम है और स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ करता है लाइक ईटिंग स्लीपिंग आ, राइडिंग राइडिंग तो नहीं बोल सकते पर वॉकिंग करता है सो so, इसको इसलिए ऑब्जेक्ट बोला जाता है ठीक है अब बात करते हैं क्लास की तो बेसिकली क्लास इज अ ब्लू प्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्लास एक ऑब्जेक्ट uh, का ब्लू प्रिंट है ठीक है अ क्लास कैन हैव मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स एक क्लास के कई सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं उदाहरण के दौर पर ले तो एक लैब है उसके अंदर चार चेयर रखे हुए हैं ठीक है तो एक लैब एक क्लास हुआ और उसके अंदर की चार चेयर चार ऑब्जेक्ट हुए चेयर वन चेयर टू चेयर थ्री एंड चेयर फोर चारों चार ऑब्जेक्ट हुए इट इज़ अ लॉजिकल एंटिटी ये लॉजिकल एंटिटी है और ऑब्जेक्ट लॉजिकल और फिजिकल दोनों को कंज्यूम करता है ठीक है ऑब्जेक्ट लॉजिकल में भी होता है और फिजिकल में भी होता है और क्लास सिर्फ लॉजिकल में होता है ठीक है क्लास डजेंट कंज्यूम एनी स्पेस यानी कि क्लास किसी भी प्रकार की स्पेस को कंज्यूम नहीं करता है यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है एक स्टूडेंट की क्लास का एक स्टूडेंट नामक का क्लास है उसके अंदर स्टूडेंट वन स्टूडेंट टू एंड स्टूडेंट थ्री उसके ऑब्जेक्ट्स है ठीक है अब बात करते हैं एब्स्ट्रैक्शन की बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है तो कि इंटरनल डिटेल्स को हाइड करता है और फंक्शनलिटी को शो करता है सो so, उदाहरण के दौर पर ले तो दो व्यक्ति है वो आपस में एक दूसरे को कॉल करता है तो दोनों को पता चलता है कि कॉल आया और कॉल किया गया है ठीक है और उसको रिसीव करते समय उसको ये नहीं पता चलता है कि इसके पीछे की प्रोसेस क्या होती है इसके पीछे इसके पीछे क्या प्रोसेस होती है जिससे हमें एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं जिससे हम एक दूसरे से कॉन्टैक्ट कर पा रहे हैं इसको बेसिकली बोलते हैं एप्सक्शन जहाँ पर इंटरनल डिटेल्स हाइड होती है और फंक्शनैलिटी को शो किया जाता है अब बात करते हैं एनकेप्सुलेशन की एनकेप्सुलेशन में जनरली क्या होता है कि कोड और डेटा दोनों को बाइंड करते हैं यानी कि दोनों को रैप करते हैं चाव में इनकेप्सुलेशन का एग्जाम्पल देखें तो एक क्लास जिसका एनकेप्सुलेशन का बेस्ट उदाहरण कह सकते हैं क्योंकि क्लास के अंदर हम कोड भी लिखते हैं और डेटा भी होता है और वो दोनों रैपिंग के स्वरूप में होते हैं ठीक है इसके लिए उसको एनकेप्सुलेशन बोलते हैं आगे पॉलीमॉर्फिज्म पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जिससे कि कोई भी चीज़ आप करते हो कोई भी एक चीज़ करते हो और उसको करने के कई सारे रास्ते होते हैं इसे पोलिमोर्फिजम कहते हैं लाइक यहाँ पे हम पोलीगन ड्रॉ करते हैं तो पॉलीगन ड्रॉ करने के कई सारे रास्ते हैं। जैसे कि ट्राइंगल से भी ड्रॉ कर सकते हैं, रेक्टेंगल से भी ड्रॉ कर सकते हैं, और स्क्वायर से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है तो बेसिकली इसको पोलीमॉर्फिज्म बोलते हैं और लास्ट में आता है इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस बेसिकली क्या है तो कि हमने एक से ज़्यादा क्लास बनाए हैं और एक क्लास की प्रॉपर्टीज़ यानी कि उसमें जो हमने वेरिएबल्स यूज़ किए हैं वो सभी और मेथड्स यूज़ किए वो सभी हम दूसरे क्लास में यूज़ करना चाहते हैं तो उसको हमें इनहेरिट करना पड़ता है इसको बेसिकली हम इनहेरिटेंस बोलते हैं जिसकी मदद से हम एक ही बार लिखे गए कोड को बार बार यूज़ करते हैं ठीक है इसीलिए कोड रियूजबिलिटी का फंक्शन हमको प्रोवाइड करता है इसके लिए इनहेरिटेंस का यूज़ करना पड़ता है ठीक है तो अभी के लिए इतना ही आगे की वीडियो में हम देखेंगे कि ये सब चीज़ का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं तो तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ जय हिंद